Hi everyone, welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logics of Engineer. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और another pattern program के साथ हाजिर हैं. आज के इस वीडियो में हम लोग एक और pattern program को print करवाएंगे. तो चलिए पहले देखते हैं कि वो कौन से pattern है जिसको आज हम लोग implement करेंगे. तो guys, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमारे पास है ये, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1 इस वे में फर्स्ट पैटर्न है, जिसमें हमें लाइंस तो फाइव फर्स्ट पहली बार में हमें 5 लाइंस प्रिंट करना है, दूसरे में हमें 4 लाइंस, तीसरे बार में 3 लाइंस, चौथे बार में 2 लाइंस और लास्ट में सिर्फ 1 प्रिंट करना है, ठीक है. और जिसका इसमें कंटेंट है वो इस शेप में है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. और दूसरे हमारे पास यहाँ पे है ये पैटर्न, जिसमें हमें कंटिन्यूसली 5 टाइम ये शेप प्रिंट करना होगा. नेक्स्ट में 4 टाइम हमें प्रिंट करना होगा वो 4, और थर्ड टाइम में 3 3 बार, फोर्थ टाइम में 2 बार और लास्ट में 1. तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम इनका यूज करेंगे और किस तरीके से हम कंडीशन सेट करके इसका आउटपुट प्रिंट करवाते हैं. तो पहले इस पेज को हम लोग सेव कर लेते हैं printloop.c के नाम से. अब हम अपना यहाँ पे कोड लिखेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, हमारा मेन फंक्शन एक करली बेसिस ओपन, दूसरा करली बेसिस क्लोज, और इसके बीच में हम यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप लेंगे और उसके अंदर 2 वेरिएबल लेंगे. पहला वेरिएबल i आउटर लूप के लिए और j इनर लूप के लिए. यहाँ पे clrscr फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए, और यहाँ पे फर्स्ट हम लोग 4 कीवर्ड अपने लिखेंगे. i इक्वल्स टू 5 असाइन की, लिमिट इस हमने 5 तक का दिया. i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और i माइनस माइनस, ये 4 कीवर्ड के करली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पे ये 4 कीवर्ड का करली ब्रेसेस क्लोज. और इस 4 कीवर्ड के अंदर हम दूसरा अपना नेस्टिंग फॉर लूप यूज करेंगे, जिसमें हम j वेरिएबल यूज किए और j के अंदर हम लोग असाइन कर देंगे 1. j इज लेस देन इक्वल्स टू i और j प्लस प्लस, इस 4 कीवर्ड का एक करली ब्रेसेस ओपन और ये दूसरा करली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे printf%d, और जिसका वैल्यू हमें चाहिए उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ प्रिंट करवाए. तो हमें j का वैल्यू प्रिंट करवाना है, इसलिए हम j को यहाँ प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके अंदर हम printf/n यूज किए न्यू लाइन के लिए, और यहाँ से हमारा getch फंक्शन. तो चलिए अब हम इसको कंपाइल करते हैं. कंपाइल के देखिए प्रोग्राम सक्सेस, 0 errors 0 warning, ठीक है. यहाँ से रन करते हैं, देखिए हमें जिस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए वैसे शो हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, इस वे में. यहाँ पे एक स्पेस हम दे देंगे इस तरीके से. अब इसको कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम सक्सेस, यहाँ से रन किए, देखिए अब हमें क्लीन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 लाइन बाय लाइन फ्लो में एक हमारा जो पैटर्न है वो शो हो रहा है. अब यहाँ पे हम जे की वैल्यू को हटा के अगर आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे, कंपाइल करेंगे, अगर देखिए प्रोग्राम सक्सेस, एंटर किए, इसको रन किए, देखिए हमें जैसे हमारे एक और पैटर्न प्रिंट करवाना था वैसे ये प्रिंट हो रहा है, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, इस वे में. कुछ नहीं किया हम, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को हमने चेंज किया है. अगर आई की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है तो इस तरीके से हम शो करवा सकते हैं, अगर जे की वैल्यू तो हम लोग जे का वैल्यू प्रिंट करवा दिए. ये वर्क कैसे कर रहा है पहले ये देख लेते हैं. हमने एक इंट डेटा टाइप लिया है और उसके अंदर 2 वेरिएबल, एक आई और एक जे, ठीक है. clrscr फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए, 4 कीवर्ड का हमने यूज किया है और इसमें हमने 5 असाइन किया है. अब यहाँ पे हमारा कंडीशन है इज आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आई के अंदर हमारा वैल्यू कितना है 5, तो क्या 5 1 से बड़ा है? यस, 5 1 से बड़ा है, इसलिए वो नीचे आएगा और इस नेस्टेड फॉर लूप में दोबारा जे का कंडीशन देखेगा. यहाँ पे जे में हम लोगों ने क्या किया, जे के अंदर हम लोग 1 असाइन किए हैं और यहाँ पे हम कंडीशन दिए हैं जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, और आई का हमारा वैल्यू अभी कितना है 5 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इज जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई का वैल्यू में कितना है 5, इसलिए यहाँ पे कंडीशन है इज जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, तो क्या जे 5 से छोटा है, तो जे का हमारा वैल्यू कितना है 1, इसलिए यहाँ पे क्या 1 5 से छोटा है, यस 1 जो है 5 से छोटा है, इसलिए वो नीचे आएगा और ये हमारा प्रिंट इफ में हमने जे का वैल्यू प्रिंट करवा दिया, इस तरीके से वो जे प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद फिर प्लस प्लस, उसके बाद फिर जब ऊपर जाएगा प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू 1 है अभी, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होने की वजह से 2 हो जाएगा, अभी हमारे जे का वैल्यू 2 है. यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा इस जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, जे का हमारा वैल्यू कितना है 2 और आई का हमारा वैल्यू कितना था वो 5 था, तो क्या 2 5 से छोटा है, तो हाँ 2 5 से छोटा है, इसलिए दोबारा नीचे आएगा और इस यहाँ प्रिंट में हमारा दोबारा जे का वैल्यू जो है 2 वो प्रिंट हो जाएगा. फिर प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा जे का, वो फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा जे का वैल्यू, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा इस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 3 कैसे, बिकॉज जे का हमारा
हमारा वैल्यू 3 है और आई का हमारा वैल्यू 5 है, इसलिए क्या 3 5 से छोटा है? यस, 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए नीचे आएगा दोबारा यहाँ पे हमारा प्रिंट में जे का वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्लस प्लस होगा 4 होगा, फिर उसके बाद प्लस प्लस होगा 5 होगा, इस तरीके से वहाँ पे हमारा जे का वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इस जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, जे का वैल्यू कितना है फिलहाल, जे 6 और हमारा आई का वैल्यू 5 है, तो क्या 6 5 से बड़ा है? नहीं, इसलिए वो इस स्टेटमेंट को रिसीव करेगा, प्रिंट में न्यू लाइन प्रिंट होगा और वो डायरेक्ट इस हमारे आउटर लूप में आ जाएगा, आउटर लूप में आएगा और यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू 5 था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले वो एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, माइनस होगा, और आई का वैल्यू 5 एक माइनस होने के बाद यहाँ पे आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा इज आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आई का वैल्यू हमारा कितना है 4 है, तो क्या 4 1 से बड़ा है? यस, 4 1 से बड़ा है। फिर उसके बाद आएगा दोबारा यहाँ पे और 4 टाइम, जैसे हमने कंडीशन चेक किया है तो आई का वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 टाइम हमारा जे का वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद जब वो 5th होगा तो वो इसको स्टॉप कर देगा और दोबारा आउटर लूप में चला जाएगा। यहाँ पे फिर जब एक आई का वैल्यू माइनस होगा और 3 हो जाएगा। तो इस फ्लो में एक्चुअल ये प्रोग्राम वर्क करता है, बहुत इजी कंसेप्ट था। आई होप कि जो भी मैंने इसमें बताया आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल काइंडली प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट ऑन माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी कोडिंग।